कश्मीर एक ऐसा भारत का राज्य है जिसे धरती पर स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर हर साल प्रकृति का असली नजारा देखने के लिए आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग के एक ऐसे टूर पैकेज की इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिसको बुक करवाने के लिए वीडियो के टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आपको कॉल करके ट्रैवल कंपनी से इस पैकेज को बुक करवाना होगा। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हैं तो YT भारत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज घूमते हैं धरती के स्वर्ग कश्मीर को। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चीप एंड बेस्ट पैकेज के बारे में सारी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि धरती के ऊपर सबसे खूबसूरत स्थानों में कश्मीर का स्थान जो है वो नंबर वन पर आता है। और अब हम इसी नंबर वन के स्थान पर घूमने के बारे में आपको बता रहे हैं। इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया, फ्लाइट के टिकट इंक्लूडेड नहीं है। तो आप जब श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको जो ड्राइवर है वो आपको पिक करके श्रीनगर के होटल में चेक इन के लिए ले जाएगा। आप होटल में चेक इन करिए, उसके बाद आपकी हाफ डे की साइट सीन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा रेस्ट करने के बाद, होटल में फ्रेश होने के बाद, वहां पर आप हाफ डे का साइट सीन करिए और ओवरनाइट करिए श्रीनगर के होटल में। इस पैकेज के अंदर आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है इसी कॉस्ट में, और जो आपका साथ में ड्राइवर जा रहा है वो आपको जिस भी डेस्टिनेशन पर ले जाएगा उसके बारे में एक गाइड की तरह भी आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है इस पैकेज की। तो आप श्रीनगर के मुगल गार्डन में हाफ डे की साइट सीन करेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे अपने होटल के अंदर। जैसे यहां पर पूरी डिटेल बताई गई है, अराइवल एट श्रीनगर एयरपोर्ट एंड ट्रांसफर टू श्रीनगर, चेक इन टू होटल, गेट आफ्टर लेग्स, एंजॉय मुगल गार्डन, हाफ डे के लिए टूर करिए, ओवरनाइट स्टे करिए इन श्रीनगर होटल में। मुगल गार्डन में क्या क्या है आपका? निशंत है, द गार्डन ऑफ डिलाइट, शालीमार है, द गार्डन ऑफ लव, चश्मा शाही है, द रॉयल स्प्रिंग। तो ये पूरे मुगल गार्डन के अंदर तीन हिस्से हैं, निशंत, शालीमार और चश्मा शाही। इन तीनों को आप विजिट करेंगे हाफ डे के अंदर, वापस आकर के स्टे करेंगे होटल में ओवरनाइट। उसके बाद ये था डे वन। अब चलते हैं डे टू पर। डे टू में आपकी यात्रा स्टार्ट होगी श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। ये जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा श्रीनगर से गुलमर्ग का, ये होगा 56 किलोमीटर का, और लगभग सी लेवल से ये अबव है 2690 मीटर तक का। गुलमर्ग फेमस है अपने विंटर स्पोर्ट्स के लिए, गोंडोला केबल कार राइड के लिए एंड वर्ल्ड हाईएस्ट केबल कार के लिए। तो यहां पर जाकर के आप बहुत ही इंजॉय करेंगे, और स्नोफॉल के दिनों में जाएंगे तो क्या कहने, मजे ही मजे आएंगे। ये तीनों अगर आप लोगों ने पहले भी जगह सुनी हुई है तो ये बहुत ही फेमस जगह है कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर। अब नेक्स्ट डे हम चलते हैं वापस। आप ये गुलमर्ग का कंप्लीट करके टूर वापस अपने होटल में आ जाएंगे श्रीनगर में, 56 किलोमीटर वापस। इसके बाद जो थर्ड डे है वो आपकी जर्नी होगी श्रीनगर से पहलगाम के लिए, और ये होगी 95 किलोमीटर के लिए, जो ईस्ट ऑफ श्रीनगर में है, 2400 मीटर है सी लेवल से। इसको हम, इट इज कॉल्ड शेफर्ड वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है, शेफर्ड्स की वैली के नाम से। द रिजॉर्ट इज सराउंडेड बाय मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेसेस लाइक बेसरन, बेताब वैली, चंदनवारी एंड आडो। तो ये कुछ फेमस स्थान हैं जो आपको यहाँ पर घूमने को आएगा। तो श्रीनगर पहलगाम की यात्रा आप करके 95 किलोमीटर वापस आएंगे और अपने होटल में ओवरनाइट स्टे करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे की हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी श्रीनगर, सोनमर्ग, श्रीनगर। तो श्रीनगर से आपको सोनमर्ग जाना है, ये है करीब 87 किलोमीटर श्रीनगर से, 3 घंटे की जर्नी होगी। सी लेवल से 2800 मीटर पर है ये। यहाँ पर घूमने की मेन जगह है गोल्डन मिडो एट द हेड ऑफ द रिवर सिंड एंड ब्यूटीफुल माउंटेन्स और ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे सोनमर्ग के अंदर। तो ये 4 डे कंप्लीट हो चुका है, ओवरनाइट आप स्टे करेंगे, एंजॉय करेंगे होटल के अंदर।
और उसके बाद जो आपका फिफ्थ डे है, यहां पर आपको चेकआउट करके आफ्टरनून में आपको वापस डिपार्चर के लिए वापस अपनी जो बेस सिटी है वहां पर आपको पहुंचाया जाएगा, श्रीनगर एयरपोर्ट पर आपको ड्रॉप कर जाएगा, वहां से आप अपनी फ्लाइट लेकर के वापस अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट इतनी इफेक्टिव है कि क्या कहने, बहुत ही सस्ते में आपको बहुत ही अच्छा पैकेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तीन सेक्शंस में डिवाइड है, पहला है 1 SUV, दूसरा है 2 SUV और एक है टेम्पो ट्रैवलर। तो हम अभी आपको 1 SUV का पैकेज बता रहे हैं, 2 SUV और 1 Tempo Traveler का समझ लीजिएगा। होटल की कैटेगरी डिवाइडेड है, अगर आप बजट की बात करें तो दो पैक्स यानी कि दो लोग अगर आप होंगे हस्बैंड वाइफ तो आपको ये 7,250 का पड़ेगा, और अगर आप चार लोग होंगे तो आपका पड़ेगा 5,750 का, छह लोग होंगे तो आपका पड़ेगा ये 5,050 का। मतलब अगर आप ज्यादा लोग होंगे तो ये पैकेज आपको और सस्ता पड़ेगा बजट होटल कैटेगरी में। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी में होटल की, जैसे आपका स्टैंडर्ड कैटेगरी होगा थोड़ा सा अप कर जाएगा, 7,850 दो लोगों के लिए, चार लोगों के लिए 6,350 और छह लोगों के लिए 5,600। तो इतना कम में आपका घूमना फिरना हो जाएगा। ये मैं एक व्यक्ति कॉस्ट आपको बता रहा हूं, ये पर पर्सन की कॉस्ट है आपकी, इतनी कम कॉस्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इतनी बेहतरीन होटल फैसिलिटी के साथ घुमाएगा। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं इस पैकेज को बुक कर लीजिए। आगे आप देखिए डिलक्स में थोड़ा सा महंगा हो गया है, 8,450 चार लोग के साथ, 7,150 छह लोग के साथ, 6,400। सुपर डिलक्स में 9,250 दो लोग के साथ, 7,750 चार लोग के साथ और 7,050 छह लोग के साथ। तो जितना आप ज्यादा करेंगे इसमें लोगों को इन्वॉल्व, अपने साथ ग्रुप लेकर के जाएंगे, उतना ही आपको सस्ता भी पड़ेगा और आप अच्छी तरह से इंजॉय भी कर पाएंगे। जो होटल इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं, बजट होटल की बात करें तो अभी होटल बुर्ज या उससे सिमिलर दिया जाएगा। स्टैंडर्ड होटल्स की बात करें तो आपको ट्राइडेंट रिजॉर्ट या उसके सिमिलर दिया जाएगा। डिलक्स होटल की बात करें तो आपको होटल शिफाफ या सिमिलर दिया जाएगा, और सुपर डिलक्स की बात करें तो होटल रॉयल बट्टू या उससे सिमिलर दिया जाएगा। तो ये होटल सैंपल के तौर पर आपको बताए गए। अब आपको आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कॉस्ट में इंक्लूडेड है। एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप आपका इंक्लूडेड है, एकोमोडेशन इंक्लूडेड है, ट्विन शेयरिंग बेसिस पे दो लोग एकोमोडेट करेंगे, एमएपी बेसिस पे, एमएपी का मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होगा। फूड एट द श्रीनगर आपको मिलेगा, विल बी वेज या नॉन वेज जो भी आपकी चॉइस होगी उसके बेस पर मिलेगा। शिकारा राइड की आपको फैसिलिटी मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड फॉर द लॉजिस्टिक एंड एक्सप्लेन इन द अबाउ, आपको जो बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी। इनोवा गाड़ियां कौन कौन सी हो सकती हैं, इनोवा टवेरा जो भी आपका पैकेज होगा उसके अकॉर्डिंग एसयूवी टाइप की आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाएगी जो नॉन एसी होगा। ठंड पड़ती है तो वहां एसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ड्राइवर कम गाइड आपके साथ हमेशा रहेगा, जो आपको जिस लोकेशन पे ले जाएगा वो आपको आइटनरी के हिसाब से वहां पर आपको गाइड भी करेगा। इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूड है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है टैक्स का। आगे हम बात कर लेते हैं टूर में क्या क्या एक्सक्लूडेड है। एयर फेयर ट्रेन फेयर इसमें नहीं है। एनी मील्स अदर देन स्पेसिफाइड, जो आपका ब्रेकफास्ट डिनर है उसके अलावा जो भी आप करेंगे। लंच टाइम क्योंकि आप बाहर रहेंगे तो वो आपको करना पड़ेगा, या बाहर मार्केट में आप कहीं आके करते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। एक्सपेंस ऑफ पर्सनल नेचर सच एज टिप्स आपको देना हुआ, टेलीफोन कॉल्स, लॉन्ड्री या लिकर जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसका कॉस्ट आपको खुद बेयर करना पड़ेगा क्योंकि पैकेज में इंक्लूड नहीं है। अदर आइटम जो नॉट स्पेसिफाइड टूर कॉस्ट में वो जो इंक्लूड नहीं है वो आपको पे करना पड़ेगा। गाइड एंड एंट्री फीस ड्यूरिंग साइट्स, अगर आप अलग से गाइड लेते हैं या एंट्री जो फीस होती है साइट्स पर वो आपको खुद बियर करनी पड़ेगी। तो इस पैकेज को जल्दी से बुक करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया गौरव कुमार जी से संपर्क करिए, इनका नंबर मैं आपको वीडियो को टाइटल में भी दे रहा हूँ, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं देने जा रहा हूँ। गौरव कुमार जी का नंबर है 8010428280, तो यहां पर कॉल करके आप अपने पैकेज को बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी इंडिया के और टूर डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो YT भारत पर कमेंट करके आप बता सकते हैं, अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो तुरंत लाइक कर दो, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ लीजिए, या कोई भी डाउट होता है तो गौरव कुमार जी को आप पूछ लीजिए और अपने पैकेज को बुक करवा लीजिए जैसे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। तो मिलते हैं YT भारत किस तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए YT भारत चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री।